सो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। गाइज आज जो ये वीडियो है, मैं एक व्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं, जिस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो एक डिलीवरी बॉय है जोमेटो का, वो किस तरीके से अपना ऑर्डर डिलीवर करता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या कुछ इनकम है, और एक एक लाइव प्रोसीजर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो है ना यार, इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अपने दोस्त को जो कभी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो भाई मेरा दोस्त है दीपक, और जो ये वीडियो आज पॉसिबल हो पा रही है दीपक भाई की वजह से। तो दीपक भाई आज हम क्या करने वाले हैं आप खुद ही बता दो। हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे आज हमारे पास किस तरह से ऑर्डर आते हैं और हम किस किस दिक्कतों से हम कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ठीक है, और क्या कुछ अर्निंग हम आपको वीडियो बताने वाले हैं। सो हम इस वीडियो को प्रॉपरली एक न्यूट्रल करने वाले हैं। सो गाइज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में देखनी है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि इस तरह की वीडियो हम आपको फ्यूचर में भी देते रहे। तो चलिए भाई ज्यादा समय ना गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है, हम मास्क भी लगा लेते हैं। सिर्फ एक बार कैमरा पकड़ो, मैं भी जो है मास्क लगा लेता हूँ। ठीक है, सो अभी हमने मास्क लगा लिया है और हमने सैनिटाइजर ले लिया है, ठीक है। चलो तो अभी हम निकलते हैं गाइस। ओके गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं विद हेलमेट और अपनी बाइक के साथ में। सो यहाँ पे हमारे जो बाइक है वो पूरी तरीके से रेडी है, और हम सब ने जो है मास्क पहना हुआ है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा सेफ्टी आज के टाइम पे हमें रखनी चाहिए कि कोविड का टाइम चल रहा है। तो ठीक है दीपक भाई, फटाफट से हम चलते हैं मार्केट की तरफ। सो बाइक स्टार्ट करते हैं हम अपन। सो गाइस फाइनली बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और ठीक है दीपक भाई यहाँ से चलेंगे सीधा कमल रेस्टोरेंट पे। अभी जो है हम फाइनली जो है वो कमल रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कमल रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम अभी ऑर्डर का वेट करने वाले हैं कि कैसे कैसे जो ऑर्डर आता है। तो दीपक भाई आप लॉगिन कर लो ऐप को। दीपक भाई कैसे लॉगिन करते हो थोड़ा सा आप दिखाएंगे? ब्राइटनेस बढ़ा दो इसकी, ब्राइटनेस ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो जोमेटो के बहुत सारे राइडर बैठे हुए हैं। सो अभी जो है हम आईडी को लॉगिन करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जो आईडी है वो लॉगिन करते हैं। सो ये जोमेटो का ऐप है और यहाँ से आईडी को हमने लॉगिन कर लिया है। तो अभी जो है यहाँ पे हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारा जो पहला ऑर्डर है वो कब आता है और कहाँ का हमारा ऑर्डर आता है और कैसे हमें कहाँ पर हमें उसको डिलीवर करना है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी हम ऑर्डर का वेट करते हैं। गाइस लगभग आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे जो है बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं बचा है। सो अभी आप देख सकते हैं सारे राइडर यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं, जितने भी आप जोमेटो के देख सकते हैं। सो दीपक भाई अपने को कितना टाइम हो चुका है? लगभग हो चुका कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैब से ऑर्डर आता है और जैसे ही ऑर्डर आता है फिर हम आपको बताते हैं। तो दीपक भाई ऑर्डर तो यार है नहीं, तो क्या किया जाए, क्या कर रहे हैं, वेट करने के सिवा क्या कर सकते हैं भाई? सही बात है भाई, तो यहाँ पे फिलहाल हमें वेट ही करना पड़ेगा। और अभी आप देख सकते हो लगभग लगभग हमें 2 घंटे, आप शायद सुबह ऑनलाइन थे ना, लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है, 2 घंटे भाई पहले सुबह से ऑनलाइन था, एक भी ऑर्डर नहीं बजा है। सो लेट्स सी, वेट करते हैं, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दीपक भाई अगर किसी को आप जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक आप मुझे ये बता दो कि अगर क्या कुछ प्रोसीजर रहता है जो हमें अपने ध्यान में रखना होता है एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को। हम गाड़ी के कागज़ वगैरह हमेशा पूरे रखते हैं, बिना मास्क की डिलीवरी नहीं करते हैं, सैनिटाइजर साथ रखते हैं, और कस्टमर से व्यवहार अच्छा करना चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या कुछ मतलब चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय को, अभी कुछ बताना चाह सकते हो आप? कई बार कस्टमर कॉल नहीं उठाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो गाइस जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे दीपक भाई ने बहुत सारी बातें बताई है, तो अभी हम फिलहाल ऑर्डर का वेट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला ऑर्डर कहाँ का लगता है और कैसे हम उस ऑर्डर को देते हैं। सो गाइज अभी जो फिलहाल है वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम है मार्केट में, तो यहाँ पे मेरे दोस्त भी मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि भाई किसके कितने कितने ऑर्डर हो गए हैं। तो और कुलदीप भाई क्या हाल है? भाई बढ़िया, और तो यार सुबह से कितने ऑर्डर हो गए आपके? अभी मेरे को लगभग 2.5 घंटे लॉगिन हो गए और अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है फिलहाल। तो मतलब 2.5 घंटे में एक भी ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है सर, आपका क्या हाल है? भाई ठीक हूँ, बढ़िया। और ऑर्डर वगैरह कैसे चल रहे हैं मार्केट में? ऑर्डर तो भाई से कम है, ऑर्डर 4 घंटे हो लिए। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में कितना ऑर्डर हो गया आपका? 2 ऑर्डर हुए हैं। 2 ऑर्डर हुए, तो भाई 4 घंटे में 2 ऑर्डर हुए हैं।
तो अभी दीपक भाई जो अभी देख सकते हो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और सर आप कैसे हैं? बढ़िया भाई, ठीक है। कितने ऑर्डर हो गए आपके? मेरे भाई लगभग 3 घंटे में 3 ऑर्डर हो गए। 3 घंटे में 3 ऑर्डर हो गए। चलो ठीक है। तो अभी जो दीपक भाई आ रहे हैं, तो दीपक भाई ऑर्डर बचा अभी आपका? नहीं बचा भाई। तो भाई अभी आप ऑर्डर का वेट कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं लगभग सारे लोग यहाँ पे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे के बाद जो ऑर्डर है वो बच चुका है। देखो भाई दिखाना ऑर्डर। तो भाई इसको हम ये एक्सेप्ट करते हैं जो कि कमल रेस्टोरेंट का ही ऑर्डर है, ठीक है। 25 रुपये का ऑर्डर है, और ठीक है उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिच रेस्टोरेंट कर दिया। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा रेडी है। तो अभी हमें जाके काउंटर से अपना ऑर्डर कलेक्ट करना। तो सबसे पहले जो राइडर जो अपना हाथ को सैनिटाइज करता है बहुत अच्छे से, जो कि एक अच्छी बात है, और सेफ्टी का हमें प्रिकॉशन हमेशा लेके चलना चाहिए। उसके बाद जो है राइडर का टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाता है। टेम्परेचर नोट करने के बाद जो जो आप राइडर है वो अपना ऑर्डर को जो है पिक करेगा, ठीक है। तो दीपक भाई ने ऑर्डर देख लिया था। तो दीपक भाई ऑर्डर क्या क्या था, ऑर्डर क्या क्या था अपने पास में? डोसा और मसाला डोसा। 2 प्लेन डोसा और 1 मसाला डोसा जो ऑर्डर है अभी पिक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर चेक कर लिया है, एड्रेस देख लिया है, और उसके बाद ऑर्डर को राइडर द्वारा पिक कर लिया जाता है, और रेस्टोरेंट को रेटिंग कर दी जाती है। रेटिंग करने के बाद उसको सबमिट किया जाता है, और देन ऑर्डर पिक हो गया। तो अभी मेरे पास कस्टमर की लोकेशन आ गई है, तो फटाफट से चलते हैं कस्टमर की लोकेशन के पास में, ठीक है दीपक। इस जो बॉक्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें 20 से 25 मिनट तक जो खाना है वो गर्म का गर्म रहता है और ठंडे का ठंडा रहता है। तो ये जो बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो बॉक्स है जोमेटो कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो अपने खाने को बॉक्स के अंदर ऐसे डाला जाएगा, बॉक्स के अंदर डालने के बाद में जो डिलीवरी पार्टनर है बॉक्स अच्छे से पैक करेगा और अपनी बाइक को स्टार्ट करके कस्टमर लोकेशन तक जाए। सो गाइस ऑर्डर जो हम पिक कर चुके हैं हमारे बॉक्स के अंदर, तो अभी हम चलें कस्टमर की लोकेशन पे। तो गाइस अभी फिलहाल जो है हम कस्टमर की लोकेशन पे जो है पहुंच चुके हैं, लेकिन दीपक भाई जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हम कस्टमर के बिल्कुल लोकेशन पे ही खड़े हैं। तो अभी दीपक भाई कस्टमर को कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद ये कंफर्म करेंगे कि कस्टमर कहाँ पे आना है और कैसे ऑर्डर देना है। हेलो हेलो सर, कहाँ पे आना है? मैं अम्बेडकर भवन वाली गली में खड़ा हूँ सर। अम्बेडकर भवन एड्रेस जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो फिलहाल अभी हम चलते हैं कस्टमर की लोकेशन। सो दोबारा से जो है हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो दीपक भाई ने कस्टमर से कंफर्म कर लिया है उसका एड्रेस कहाँ पे है। तो गाइस आप देख सकते हैं एक चैलेंजिंग टास्क की तरह ही है ये, कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचना, फिर वहाँ से पहुँचने के बाद कस्टमर तक पहुँचना, जो कि अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि गलियों में मुड़ना, यू टर्न लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक ऑर्डर को जो है वो डिलीवर किया जाता है। सो गाइस कस्टमर जो है दीपक भाई जो अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और ये अपना फ़िलहाल अभी ऑर्डर देंगे। सो ये जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो कस्टमर तक पहुंच गए हैं, और कस्टमर को जो अपना ऑर्डर दे रहे हैं, और कस्टमर को ऑर्डर देने के बाद में ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है। तो भाई कस्टमर को ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर देने के बाद में अभी हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना होता है दीपक भाई? ऑर्डर डिलीवर करना होता है। ऑर्डर डिलीवर करना होता है, ठीक है। और कस्टमर को रेटिंग करनी होती है, यहाँ पे ऑर्डर को डिलीवर कर दिया है, कस्टमर को रेटिंग कर दिया है, और जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 रुपये जो है ऑर्डर के हमें मिले हैं, और लगभग जो हमने 1.8 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, फिर हमें गो टू नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है, और अभी हमारा पहला ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। अब यार देख सकते हो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, एक राइडर को जो है मेहनत लगातार करनी पड़ती है। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ से अपना ऑर्डर देकर दोबारा से निकल चुके हैं, और गर्मी कितनी ज़्यादा है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सूरज बिल्कुल सर पे है, और मेरे को पसीने भी जो है वो आ रहे हैं। तो यार यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ट्रैफिक भी एक चैलेंज हो जाता है राइडर के लिए, ठीक है। हम तो खाना ऑर्डर कर देते हैं, और खाना ऑर्डर करके हम राइडर को बार बार फ़ोन करते हैं कि भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा। तो आप देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, तो आप इस चीज़ को समझा करिए। कैसे ऑर्डर बजा आपका? नहीं आया। सो गाइस फिलहाल हम अपनी एक ट्रिप कंप्लीट करके चॉइस पिज्जा पे आ गए हैं,
और यहाँ पे भी हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है सेकंड ऑर्डर हमारा कब तक आता है और कैसे हमारा ऑर्डर आता है। तो गाइस यहाँ पे हमारे स्विगी के भी दोस्त मिल चुके हैं जो कि अभी हमारे साथ में। और भाई क्या हाल है अपना? क्या बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। भाई ऑर्डर वगैरह कैसे मार्केट में? ठीक है भाई, सही चल रहा है काम। सही चल रहा है काम, हाँ जी ठीक है भाई, काम सही चलना चाहिए। तो भाई कृष्ण कुमार भाई से बात करते हैं जो कि स्विगी में है। तो कृष्ण कुमार भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर, आप बताइए। अरे भाई बढ़िया यार, सर मत बोलो यार, दोस्ती मत मारा। और ऑर्डर वगैरह कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? बस सर अभी तो फिलहाल कम ही काम है। अच्छा काम कम है अभी? जी जी हल्का फुल्का ही काम है सर। यार जोमेटो में भी ऐसे है तो आप देख सकते हो यार, यहाँ पे बहुत सारे स्विगी के दोस्त भी हमारे मिल चुके हैं। और फिलहाल जो है हम जोमेटो के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं जो कि पिज्जा चॉइस पे हम वेट कर रहे हैं। तो भाई दूसरा ऑर्डर फिर से आ चुका है हमारे पास में। तो भाई आप दीपक भाई दिखाओ। तो ये जो ऑर्डर है समोसा सेट, समोसा सेट का हमारा ऑर्डर है। तो भाई एक्सेप्ट करो यार इसको जल्दी से, फटाफट से पैदल पैदल चले, चल पैदल पैदल चलते हैं। तो अभी हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, पैदल पैदल समोसा सेट की तरफ जा रहे हैं और अपना ऑर्डर वहाँ से पिक करते हैं। जब हम समोसा सेट रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं और दीपक भाई जो है अपना ऑर्डर पिक करने वाले हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के समोसे यहाँ पे मिलते हैं। तो ठीक है हम ऑर्डर को अभी हम पिक करने वाले हैं। तो दीपक भाई ऑर्डर क्या है अपना, ऑर्डर दिखाएंगे मेरे को? पांच पिज्जा समोसा। सो गाइस यहाँ पे पिज्जा समोसा भी मिलते हैं जो कि हमारा ऑर्डर यहाँ पे रेडी है। तो हम इस ऑर्डर को फटाफट से देते हैं और मिलते हैं। थैंक यू भाई। बेसमेंट में जो है कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं कैमरा लेकर अंदर नहीं गया है। हम वेट करते हैं जैसे ही दीपक भाई आता है हम नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते हैं। सो वेट करते हैं कितना टाइम लगता है उसको ऑर्डर देने में। ऑर्डर दे दिया, कितने रुपए मिले? 25 रुपए। तो जैसा कि मैंने बोला था 25 रुपए, इनके भी 25 रुपए मिले। तो अभी फिलहाल कहाँ पे जाना हमें? फिर हम वो रेस्टोरेंट पे जाना है। ठीक है तो एक काम करते हैं हम दोबारा से रेस्टोरेंट में चलते हैं और एक तीसरी ट्रिप करते हैं कम्प्लीट। फिलहाल हमने इस ट्रिप को कंप्लीट कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं तीसरे रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं वहाँ पे कहाँ का ऑर्डर मिलता है हमें और कैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो फिलहाल दीपक भाई बर्गर किंग पे चलते हैं अपन, ठीक है? हाँ बर्गर किंग पे चलते हैं। गाइस अभी हम फिलहाल जो है वो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में हमें ऑर्डर मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ऑर्डर वैसे बहुत मार्केट में कम है। सो लेट्स सी क्या होता है, हमें कब तक ऑर्डर मिलता है उसका हम वेट करेंगे। दीपक भाई जो ऑर्डर का फिलहाल अभी वेट कर रहा है। दीपक भाई ऑर्डर बजा क्या? अभी तक नहीं आया? ठीक है तो अभी हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और जैसे ही ऑर्डर बसता है हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ आगे का प्रोसीजर है। गाइस ऑर्डर तो बसता रहेगा, मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत घुमा भी दिया जाए। तो ये देखो गाइस बहुत सारे लोगों की क्वायरी होती है भाई जोमेटो में क्या कुछ ऑर्डर रहते हैं, क्या कुछ पैसे रहते हैं। तो सारी बातें आज दीपक भाई से जानेंगे। तो दीपक भाई यार कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार। दीपक भाई लोग जानना चाहते हैं जोमेटो में कितनी इनकम हो जाती है, तो फिलहाल कुछ क्या कहना चाहेगा तो इस बारे में? एक दिन में हो जाता है 600, 650। अच्छा मतलब तेल पानी का खर्चा वगैरह? पानी खर्चा कंपनी देती है। अच्छा तेल पानी वाला कंपनी, तो वो इंसेंटिव के रूप में राइट? हाँ मतलब जितना आप काम करोगे दिन में उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मतलब देती है कंपनी तेल का पैसा। अच्छा मतलब इंसेंटिव वगैरह कंपनी दे देती है? हाँ टाइम से देती है। तो अभी फिलहाल जैसे कि मैं देख रहा हूँ यार अभी हमने दो ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और ऑर्डर मार्केट में है नहीं, तो इस बारे में क्या कहना है? अपना काम है घटता बढ़ता रहता है और इसमें यही फायदा रहता है कि कभी काम करो मत करो कोई बोलने वाला नहीं, खुद के मालिक होते हैं हम। अच्छा मतलब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फाइनली 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 ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। सो ऑर्डर कहाँ का है दीपक भाई? बर्गर किंग का। तो आप देख सकते हैं हम बर्गर किंग पे ही है और बर्गर किंग का जो ऑर्डर आ चुका है। तो भाई एक्सेप्ट करो, कितने का? 25 रुपये का ऑर्डर है, पास में ही देना है, लगभग 3 किलोमीटर का ही ऑर्डर है। और ऑर्डर क्या क्या है, क्या क्या हमें कलेक्ट करना है? ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी मांगा जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है जोमेटो के लिए। तो अभी हम फटाफट से जाएंगे, फटाफट से सेल्फी अपलोड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कैसे हमें दोबारा से ऑर्डर को पिक करते हैं और दोबारा से आपके पास मिलते हैं। तो दीपक भाई फटाफट से सेल्फी दे के आओ यार।
एचपी यहाँ पे ले ली गई है, उसके बाद सेल्फी को सबमिट किया जाएगा और सबमिट करने के बाद अब हमें ऑर्डर की डिटेल दिखाई जा रही है। हमें ऑर्डर कलेक्ट करना है ट्विस्टेड वूफर वेज, तो चलिए फटाफट से चलते हैं और अपना जो ये ऑर्डर है ये बर्गर से कलेक्ट करते हैं। यार ये ऑर्डर रेडी है क्या? अभी रेडी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा हमारे स्क्रीन पे ऑर्डर रेडी का मार्क आ जाएगा, फिर हम चलेंगे ऑर्डर को पिक करने। सो गाइस यहाँ पे जो है ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। और प्रकाश भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया, बाल बच्चे बढ़िया? अच्छा, हाँ जी, शादी होगी तेरी? अरे की तो नहीं शादी। और ऑर्डर वगैरह कैसे चल रहे मार्केट में? अरे यार ऑर्डर वगैरह है ही नहीं आज। हाँ यार, काम कम है संडे को। और दोस्त क्या हाल है तेरे? दोस्त का हाल बेहाल है। दोस्त का हाल बेहाल है बिकॉज ऑर्डर नहीं बज रहा यार। ऑर्डर नहीं बज रहा है तो भाई आप देख सकते हैं मार्केट में, तो हमारे दोस्त भी मिल गए हैं और ये दीपक भाई, और इन भाई से बात कर लेते हैं। और भाई ऑर्डर वगैरह कैसे मार्केट में? एकदम झक्कास। अच्छा, एकदम झक्कास ऑर्डर है? चलो बहुत बढ़िया भाई। सो गाइस आप देख सकते हो लोग ऑर्डर के लिए बैठे हुए हैं और अभी फिलहाल दीपक भाई के पास में ऑर्डर आया हुआ है। जैसे ही ऑर्डर रेडी होता है हम ऑर्डर को पिक करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है और ये हमारा काउंटर है, तो भाई आप जाके पिकअप करो ऑर्डर को फटाफट से। चला यार मेरे को दे दे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। और ये ऑर्डर देना कहाँ पे है? सेक्टर 9 में। तो गाइस ऑर्डर पिक हो चुका है, तो अभी हम निकल रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे। सर आपका ऑर्डर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो गाइज अभी जो है हम, सर हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। सो गाइज अभी जो हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और हाँ, तो भाई आप कह सकते हो वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। सो सर ये आपका ऑर्डर कर ले। एंड अभी जो दूसरा ऑर्डर है, ओके तो हमने गाइज हमने जो अपना ऑर्डर है सर को दे दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे जोमेटो के बारे में? जोमेटो की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम रेगुलर ऑर्डर करते हैं जोमेटो से। थैंक यू सर, आपका फीडबैक लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर आप ऐसे ही ऑर्डर करते रहिए सर, और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस ऐसे ही सर्विस रखते रहो, अपने सही क्लीनिंग करते रहो, सैनिटाइज करते रहो, एंड बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, आप ये वीडियो भी आप देख सकते हैं और हम हाइजीनिक सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज का। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर ऑर्डर करने के लिए, थैंक यू। अभी जो हम फिलहाल अपने घर आ चुके हैं दोबारा से, और मैं आपको बता दूं कि लगभग हमने 3 घंटे काम किया है और 3 घंटे में हमारा सिर्फ 3 ही ऑर्डर लगा है। गाइज इसमें कंपनी गलती नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर कम है मार्केट के अंदर। तो फिलहाल अभी हम घर पे आ चुके हैं क्योंकि मार्केट में ऑर्डर नहीं थे, 3 ऑर्डर हमने कंप्लीट करे हैं। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि डाइनिंग में ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं 7 बजे के बाद, तो हम 7 बजे बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम 7 बजे बाद से फिर दोबारा से मिलते हैं और दोबारा से 7 बजे बाद हम ऑर्डर को कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे मिलते हैं करेक्ट 7 बजे के बाद। तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो 7 बजे के बाद गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम यहां से दोबारा से निकल रहे हैं अपने ऑर्डर के लिए। सो अभी हम यहां से लॉगिन होने वाले हैं, तो दीपक भाई एक काम करो यार, आप फटाफट से लॉगिन करो आपको। और हमने ये डिसाइड किया कि हम यहीं से लॉगिन होकर चलेंगे किसी रेस्टोरेंट की तरफ में और वहां जाके हम अपने ऑर्डर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अब मैं आपको सीधा मार्केट में मिलता हूं। सो गाइस अभी हम बाइक को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं सुबह की तरह ही, और अभी हम यहां से सीधा मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। तो दीपक भाई तैयार? हां भाई, बिल्कुल तैयार। ठीक है, चलो फटाफट से निकलते हैं, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.
what you mean. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. यहाँ से हमने ऑर्डर जो है ले लिया है और फटाफट से ऑर्डर को पिक करते हैं। ओके, तो ऑर्डर कहाँ पे देना है दीपक भाई? ये देना है शिव मंदिर के पास। ओके, मतलब ये पास का ही ऑर्डर है, राइट? ठीक है, 2.5 किलोमीटर का ऑर्डर है और 20 रुपए का ये ऑर्डर था। सो गाइस, आज जैसे कि ऑर्डर बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, वरना जोमेटो में जो ऑर्डर है लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक के ऑर्डर आते हैं जोमेटो के अंदर में, लेकिन आज जो है हमारे ऑर्डर पास पास के आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी जैसा भी होता है हम आपको बताएंगे। सो गाइस, फटाफट से चलते हैं, ये वाला ऑर्डर हम फटाफट से डिलीवर करते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट ऑर्डर पे लेके चलेंगे। गाइस, अभी जो है हम फिलहाल कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हमने ऑर्डर दे दिया है। सो अभी हमें ऑर्डर को फिलहाल डिलीवर मार्क करना है फटाफट से। तो ऑर्डर को हमने यहाँ से डिलीवर मार्क कर दिया है कस्टमर को रेटिंग करके। और इसके हमें कितने रुपए मिले हैं? वही 20 रुपए मिलेंगे। सो हम इसके हमें 20 रुपए मिल चुके, तो अभी हम फिलहाल अपने नेक्स्ट ट्रिप पे चलते हैं, है ना? गाइस, अभी जो हम ऑर्डर दे के आए हैं, इस ऑर्डर में थोड़ी सी डिले हो गई डिलीवरी में, क्योंकि जो कस्टमर का एड्रेस था वो गलत था। तो यार कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर जो है ऑर्डर करता है, किसी वजह से जीपीएस प्रॉब्लम की वजह से एड्रेस गलत डल जाता है, तो राइडर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑर्डर डिलीवर करने में। तो अगर आप कभी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आपने एड्रेस बिल्कुल सही डाला हो और जो आपका जीपीएस हो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो अभी हम फिलहाल नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, अभी हमारे पास में ऑर्डर आया नहीं है। हमने डिसाइड किया हम दोबारा से बर्गर किंग पे जाएंगे और वहाँ पे ऑर्डर का वेट करेंगे। गाइस, अभी हम फिलहाल जो है दोबारा से जो बर्गर किंग पे आ गए हैं अपना ऑर्डर अभी डिलीवर करके, और हमने जो है डिसाइड किया है कि अभी फ़िलहाल हम सिर्फ एक ऑर्डर और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑर्डर नहीं है बिल्कुल भी। तो अच्छा दीपक भाई, ऑर्डर आ गया क्या? हाँ, ऑर्डर। ठीक है भाई, तो ऑर्डर आ चुका है, तो अभी हम देखेंगे कितने रुपये का ये ऑर्डर है। बर्गर किंग का 45 रुपये का ऑर्डर, 45 रुपये का ऑर्डर है और लगभग 8 किलोमीटर हमें इसको लगभग ट्रैवल करना है। सो अभी हम इस ऑर्डर को हम कंप्लीट करते हैं, एंड देन कंप्लीट करने के बाद हम इस वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और गाइज, अगर आपको अभी तक मज़ा आ रहा हो वीडियो के साथ, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दीपक भाई के चैनल का लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इनके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और वहाँ से भी इस तरह के वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, ऑर्डर जो है हमारा अभी रेडी है, जो कि हमें जाके अभी फिलहाल हमें पिक करना है काउंटर से। तो बर्गर किंग का ऑर्डर हम अभी यहाँ से पिक करने वाले हैं। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। ऑर्डर वगैरह कैसे चल रहे हैं आपके? काम सही चल रहा है। हाँ, काम सही चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है भाई दीपक, ऑर्डर मिल गया। ठीक है, अभी ये देना कहाँ पे यार ऑर्डर? ओमैक्स सिटी। ठीक है। सो गाइज, अभी फिलहाल हम यहाँ से ओमैक्स सिटी की तरफ जा रहे हैं, और ओमैक्स सिटी हमारी इस लोकेशन से लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर दूर है।
सो लेट्स सी क्या होता है, इस ऑर्डर को हम डिलीवर करते हैं एंड देन उसके बाद हम ऑफलाइन होंगे। उसके बाद मैं आपको पूरे दिन का जो है रिव्यू दूंगा और कुछ ना कुछ दीपक भाई से बात करेंगे कि आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो रह गया, आ जा फिर। सो गाइस अभी अभी मेरा एक दूसरा दोस्त मिल गया है। सो सागर भाई क्या हाल है? बिल्कुल भाई मस्त, बिल्कुल बढ़िया यार। ऑर्डर कैसे आज? ऑर्डर तो बढ़िया है, मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ ना भाई, शाम को करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलो भाई आज सारे के सारे एक जगह पे मिल रहे हैं जो कि काफी अच्छा लग रहा है मिल के। अभी जो हम कस्टमर की जो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, सो अभी हम चलते हैं इनका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। सर हम एक्चुअली YouTube के ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं Zomato रिगार्डिंग। सो आपका फीडबैक कैसा है? एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, रिगार्डिंग लाइक डिलीवरी वगैरह काफ़ी डिसेंट होती है। ओके okay. और लाइक विंटर्स है तो उसमें मैं देख कहूँगा कि खाना भी काफ़ी वार्म ही पहुँचता है, ल्यूक वार्म या गर्म ही पहुँचता है, तो मेरी तो कोई ऐसे ही कोई शिकायत है। थैंक यू सो मच सर फीडबैक के लिए, एंड सर आप प्लीज़ 5-star रेटिंग कर दीजिएगा। नो वरीज, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइज अभी फाइनली जो है हमने अपने ऑर्डर को जो है डिलीवर कर दिया है। सो गाइज जैसा कि आपने देखा, हमने आज का जो व्लॉग है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ऑर्डर ख़त्म हो चुके थे, राइट, और मार्केट में ऑर्डर भी नहीं थे। सो हमने सिर्फ 5 ट्रिप ही कंप्लीट करे, जिनसे हमने 3 सुबह करी थी और 2 हमने अभी कंप्लीट करे हैं। सो हमारा आज का जो है वो हमने शेयर कर दिया। और बाकी भाई दीपक भाई से कुछ पूछते हैं, दीपक अगर आप कुछ कहना चाहते हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ काम किए और भाई वो तो सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और भाई मैं आपसे लास्ट में एक चीज बोली, आपके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा और Zomato हमारा बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया काम देता है। सो गाइस अभी आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप दीपक भाई के चैनल पे जाओ और इनके चैनल को एक बार चेकआउट से जरूर करना, ठीक है। सो ये यहाँ पे Zomato रिगार्डिंग वीडियोस भी डालेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस फाइनली हम इस व्लॉग को खत्म करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी व्लॉग चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर।